ये तो क्या है, एक त्रिकोणमिति फलन है। ये क्या है, त्रिकोणमिति फलन। हम ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम 0 डिग्री का मान, बाद में 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। ये तो है डिग्री मान। और अब इसको रेडियन में सेंड करेंगे तो क्या होगा, इनको लिख सकते हैं पाई बाई 2, क्योंकि आपको पता है ये पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। पाई का मान यहां पे रखेंगे और 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3, पाई बाई 3 होगा। अब देखो पाई का मान है 180 डिग्री और 180 हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। और 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, इसका मतलब है 90 डिग्री में हम अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। और 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, 180 में हम 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। अब 0 डिग्री को सेंड नहीं करना है, 0 को 0 रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो सर्वप्रथम इधर देखो, हमको 0 से स्टार्ट करना है, 0 बाई 4 से स्टार्ट करना है। तो क्या होगा, 0 में 4 का भाग 0 और अंडर जीरो का मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। उसके बाद में हमको लेना है 1/4, यहाँ पे 0/4 हो गया। अब क्या है, 1/4 अलग कर लो, अंडरूट 1 बटा अंडरूट 4। अंडरूट 1 का मान क्या होगा, 1 ही होगा, और अंडरूट 4 का मान क्या होगा, 2 होगा। साइन 30 की कमान है वो 1/2 है। इसके बाद में करना है यहाँ पे 2/4, 0/4, 1/4 और 2/4। तो इनको सॉल्व करो कितने होंगे, 1 और बटा कितने होंगे, 2। अलग कर दो, अंडरूट 1/√2, अंडरूट 1 का मान 1 और अंडरूट 2 सेम रहेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान है वो है 1/√2, समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखो क्या आएगा, यहाँ पे 3/4 आएगा। अलग कर लो, कट नहीं रहे ना, तो अलग कर लो, अंडरूट 3 और बटा में अंडरूट 4, अंडरूट 3 सेम रहेगा और अंडरूट 4 का मान कितना होगा, 2 होगा, अंडरूट 3/2। अब देखो क्या होगा, 4/4 होगा, अब 3/4 हो गया, अब क्या होगा, 4/4 कट जाएंगे तो क्या आएगा, अंडरूट 1 और अंडरूट 1 का मान क्या होता है, 1। इतना आ गया समझ में। अब क्या कर लो, इसको मिटा लो, एक मान आ गया। अब देखो, अब इन पूरे को क्या कर लो, उल्टा कर लो। तो देखो ये 1 है, कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ये 1, बाद में क्या आएगा, अंडरूट 3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। इस पूरी लाइन को ऐसे घुमा लो, ऐसा समझ आ गया, क्लॉकवाइज इनको क्या कर लो, घुमा लो। अब इनमें देखो tan थीटा का मान ज्ञात करने के हम क्या करेंगे, आपको पता ही है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos, sin थीटा बटा cos थीटा। इसका मतलब है अगर हम sin थीटा की सारणी में cos थीटा की दो भी लाइन है उसका भाग देंगे तो tan का मान आ जाएगा। तो क्या होगा, 0/1 क्या होगा, 0 और 0 होगा, 1/2 और √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना होगा 1 और बटा √3, अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल, 1/1 क्या होगा, 1 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना है, अंडर 3। अब यहां पे ध्यान देना कि 1/0 बराबर अगर किसी भी संख्या के बट्टा में 0 आता है तो उसका मान क्या होगा, अनंत होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो उसका मान क्या हो गया, अनंत। तीन लाइन आगे समझ में। अब इनको क्या कर लो, उल्टा कर लो, इनको भी क्लॉकवाइज घुमाना पूरा। तो ये क्या आएगा, अनंत, फिर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3, 1 1/√3 और यहां पे 0।
चार लाइन क्लियर हो गई। अब क्या करना है, sec थीटा है, आपको पता ही है कि त्रिकोणमितीय फलन है जिनमें समफलन है व्युत्क्रम फलन कौन-कौन से हैं। तो इधर देखो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ये दोनों व्युत्क्रम फलन है, ये दोनों व्युत्क्रम फलन है और ये दोनों व्युत्क्रम फलन है। समझ में आ गया? तो देखो sec थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम cos का उल्टा करेंगे, cos का 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, और √3 / 2 का उल्टा क्या होगा, 2 / √3, 1 / √2 का उल्टा क्या होगा, √2, 1 / 2 का उल्टा क्या होगा, 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, अनंत होगा। आगे समझ में, अब या इनको उल्टा कर लो, क्लॉकवाइज घुमा लो तो भी सेम आएगा, और आपको बताइए कि cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो भी सेम आएगा। तो इधर देख लो, ये क्या है, अनंत है, ये अनंत, और जीरो का उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा, अनंत आएगा, ये 2, और 1 / 2 का उल्टा करेंगे तो भी कितना है, 2 ही आएगा, कितना है, √2, और 1 / √2 का उल्टा करेंगे तो भी √2 आएगा, और यहां पर और क्या बच गया, 2 / √3, ये किसका उल्टा करेंगे, किसका उल्टा करेंगे तो भी आएगा, और यहां पे कितना है, ये है त्रिकोण के निशान। आगे समझ में, अब इधर देखो